हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। पिछली वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा। चलिए बाकी की डेफिनेशंस जो हैं सीजीएसटी एक्ट की वो पढ़ते हैं, क्योंकि नेचुरली किसी भी आई विल से कि चैप्टर को कह लो या कंसेप्ट को कह लो, एक्ट को कह लो, लॉ को कह लो, समझने से पहले उसकी डेफिनेशंस को पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं पर भी आगे चल के जब हम पढ़ाई करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसके अंदर डेफिनेशंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। किसी भी चीज़ को एक्ट ने कैसे डिफाइन किया हुआ है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, तब उसके अंदर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कब कहाँ कैसे यूज़ हो रहे हैं, वो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आने शुरू हो जाते हैं, राइट? तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी एक्ट्स पहले डेफिनेशन पढ़ाते हैं। हम भी आपको पहले डेफिनेशन ही करवा रहे हैं इसकी। Let's start with more definitions. Like we have already covered in our previous lectures, continuous supply of services, of goods, business vertical, and the definition of business as far as the fourth chapter is concerned. Right. So now we are taking the next definition. Here I'm starting with exempt supply. Dekhiyega, copy kholiye. Exempt supply. वैसे तो सारे बच्चे I'm sure notes लिख रहे होंगे, बट फिर भी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आलसी मत बनिए, बाद में रोना आएगा, फिर मेरे को फ़ोन मत करना। बात समझ में आई ना? हर चीज़ जो मैं लिखवा रहा हूँ अपने हाथ से लिखो, हर लिखी हुई बात को समझो, आधा याद अपने आप हो जाएगा। नहीं तो बाद में फिर सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि सर हमें तो याद ही नहीं हो रहा। होगा कहाँ से? जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो, ठीक से लिखो, हर चीज़ समझ के ठीक से लिखो, है ना? मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ, फिर भी अगर मैंने पहले बोला लिखने में कोई कमी रह जाती है, एक आध शब्द, पहली बात मैं स्लो चल रहा हूँ, फिर भी रह जाता है, नो प्रॉब्लम। आपको असाइनमेंट्स भी दिए गए हैं, अब वहाँ से देख के उसको कंप्लीट कर लीजिए, राइट? चलिए लेट स्टार्ट एग्जेम्प्ट सप्लाई। जैसा कि नाम से ही है, ये वो सप्लाई है जो एग्जेम्प्ट है, जिस पे टैक्स नहीं लगता। हर चीज़ पे तो जीएसटी नहीं है ना। अब आप किराने की दुकान पे जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट हैं, तो जीएसटी लॉ में हर चीज़ पर जीएसटी है ऐसा नहीं है, करेक्ट? लिखिएगा, इट मींस सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स, यानी हर वो चीज़ जिस पर टैक्स नहीं है एग्जेम्प्ट सप्लाई है। मैं इसमें ज़ीरो रेटेड की बात नहीं कर रहा, ज़ीरो रेटेड अलग होता है, ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट सेल्स होती हैं। अभी मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ जो कि एग्जेम्प्ट है। जो आदमी एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डील करता है उस पर जीएसटी नहीं है, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना, उसके ऊपर जीएसटी लॉ एप्लीकेबल भी नहीं है। लेकिन अभी बाद में मैं पढ़ाऊंगा ज़ीरो रेटेड। आप बोलोगे सर निल रेट और ज़ीरो रेट में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती फ़र्क क्रिएट किया है, जस्ट एक कंसेप्ट क्रिएट किया कि एग्जेम्प्टेड एक्सपोर्ट सेल्स भी हैं, बट उनको निल रेट ना करके एक दूसरा नाम क्रिएट कर दिया, ज़ीरो रेटेड, और उसमें रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ज़रूरी है, यानी कि गवर्नमेंट को आपको ये इंटीमेट करना होगा कि आप कितनी सेल्स कर रहे हो। लेकिन अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डील करते हो, आप दूध बेचते हो, आप किताबें बेचते हो, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट हैं, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर प्रिंटेड बुक्स का, तो इन चीज़ों में आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। फिर चाहे आपकी सेल 20 लाख की हो, चाहे 20 करोड़ की हो, आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ रेलिवेंट, करेक्ट? नाउ इसमें वो चीज़ें भी इंक्लूड आएंगी जो कि गवर्नमेंट अपनी पावर यूज़ करके एग्जेम्पशन डिक्लेयर कर दे। यानी एक तो जीएसटी एक्ट में तो है ही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी चीज़ को एग्जेम्प्टेड डिक्लेयर कर सकती है। सो इंक्लूड्स, लिखिएगा इसके आगे, इंक्लूड्स दोज सप्लाइज ऑफ गुड्स और सर्विसेज which may be wholly exempt
wholly exempt from tax by central government under section 11 of CGST Act. ये section आपको याद रहे तो अच्छा, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, इतना important नहीं है. और under section 6 of the IGST Act, Integrated GST Act. बात समझ में आई? And it also includes the non-taxable supply. ये तीन ना तिड़वे भाई हैं, जैसे दो होते हैं ना वो जुड़वे होते हैं, ये तीन है तिड़वे. एक है एग्जेम्प्टेड, ये तो मैंने पढ़ाई दिया, एक के बारे में भी पढ़ाया नहीं लेकिन उसका नाम बताया मैंने आपको, जीरो रेटेड. अब एक और आ गया, तीसरा भाई इनका, ये भी मिलता जुलता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई. एक्चुअली नॉन टैक्सेबल सप्लाई इन्होंने वो नाम दे दिया जो कि आउटसाइड जीएसटी है. तो फिलहाल अगर हम एग्जेम्प्ट सप्लाई की बात करें, हम तो उसकी बात करें ना, तो इन्होंने ये कह दिया कि एग्जेम्प्ट सप्लाई वो है जिस पे निल रेट लगता है. जीरो रेटेड एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड नहीं है. एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स दोज विच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स, जो कि पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है. दो, इट इंक्लूड्स दोज विच हैज बीन एग्जेम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है ना. एक तो हो गया जिसका निल रेट ऑफ टैक्स है एग्जेम्प्ट सप्लाई की अगर हम बात करें, एक जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया, और एक जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, यानी कि जो आउटसाइड जीएसटी है. इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, पहले मैं इसका मतलब बता दूं, दैट इज आउटसाइड जीएसटी एक्ट, यानी कि जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं. आप बोलोगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. तो इसलिए मैं एग्जाम्पल में इसके लिखवा रहा हूँ आपको, पेट्रोल एंड डीजल, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पेट्रोल एंड डीजल. इस तरह की चीज़ों के ऊपर जीएसटी अभी नहीं लगा है, ये पुराने सिस्टम पर ही चल रहे हैं, जो वैट एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगती थी. कुछ चीज़ें अभी भी जीएसटी के बाहर हैं, गवर्नमेंट अभी प्लानिंग कर रही है कि उन चीज़ों को जीएसटी में कैसे लाएं, तो उनको अभी जीएसटी से दूर रखा गया है. तो फिलहाल एग्जेम्प्टेड सप्लाई की अगर हम बात करें, तो इसमें तीन तरह की सप्लाई आ गई, निल रेटेड जिस पर कोई टैक्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको एग्जेम्प्ट कर दिया वो भी, और नॉन टैक्सेबल. ये तीनों इसके अंदर इन्होंने कवर की हैं, राइट. चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे. एक और डेफिनेशन है जो फ्रैंकली बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं लगती, लेकिन क्योंकि सिलेबस में है तो हम कवर कर रहे हैं. दिस इज फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट. चलिए जी, फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट. फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट क्या हुआ, ये वो जगह है जो आपका हेड ऑफिस तो नहीं है, लेकिन कोई फैक्ट्री है, कोई गोडाउन है, कोई आपका ऑफिस है, कुछ भी, एनी प्लेस विच इज फिक्स्ड. फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है ना, लिखना शुरू कीजिए, मीन्स अ प्लेस. फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट मीन्स अ प्लेस. अब इसके बारे में लिखिए, और अदर देन द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी ये आपके रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से अलग है. अब जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस होता है उसके ऊपर तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल रहती हैं गवर्नमेंट की, भाई वहाँ बोर्ड लगाओ, बोर्ड पे जीएसटी नंबर लिखो, ये करो वो करो. लेकिन जो किसी भी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, और भी जो आई विन से कि जो डिफरेंट फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, चाहे उनकी वो फैक्ट्रीज हैं, चाहे उनके वो ब्रांच ऑफिसेज हैं, कुछ भी है, समझे नहीं, गोडाउन्स हैं, स्टोरेज स्पेसेस हैं, या कुछ भी हो सकता है, तो वो उनके ऊपर भी डेफिनेटली बहुत सारा लॉ, बहुत सारे कानून जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं. इसलिए उनको भी डिफाइन करने की कोशिश की है, दैट इट मीन्स ए प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस विच हैज सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस, राइट, कि यहां पर एक सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस है, लाइक एन ऑफिस पब्लिक फैक्ट्री, कोई भी हमारा ऑफिस है. सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस कब होगी, जब मैंने कोई और प्रमाइसिस खरीद रखी हैं, रेंट पे ली हुई है, लीज पे ली हुई है, या किसी और की है, अपने यार दोस्त भाई की मित्र की है, तो भी प्रॉपर एनओसी है मेरे पास उस जगह को एक रीजनेबल पीरियड तक अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना, देन वी हैव अ सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस. इन्होंने ये नहीं बोला कि आपकी जो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है वो हम उसी को मानेंगे जो आपने खरीद रखी हो, जो आपने किराए पे ली हुई, ऐसा नहीं है, ऐसी इन्होंने बात नहीं की. इन्होंने क्या लिख के छोड़ दिया, सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस,
है ना। इसका मतलब अगर मैं कहीं ट्रेड फेयर में जा रहा हूँ और वहाँ पे मैंने एक स्टॉल लगा के मैंने सामान बेचा, तो टैक्स तो खैर तब भी ले लेंगे, लेकिन तब ये मेरे को बना रहे हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। वो फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, उससे रिलेटेड कोई रूल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो जगह मेरी फिक्स ही नहीं है। मैं गया दो दिन के लिए, मैंने पार्टिसिपेट किया, बात खत्म हो गई। सो अभी तक मेरी जो फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट की बात आ रही है, अगर हम इसको और ध्यान से समझें, तो इसमें वो बात आई दो, एक जिस जो कि मेरा रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, दूसरा जिसमें एक सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस है, राइट। फिर आगे इन्होंने बताया है एंड सूटेबल, लिखिएगा एंड सूटेबल स्ट्रक्चर है वहां पर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेस। ऑब्वियसली जब मेरी कोई फैक्ट्री होगी, कोई मेरा ऑफिस होगा, कोई मेरा गोडाउन होगा, तो वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेस भी होंगे, यानी कि वहां स्टाफ भी होगा और कुछ टेक्निकल रिसोर्सेस भी होंगे मेरे टू सप्लाई सर्विसेस और टू रिसीव एंड यूज सर्विसेस फॉर इट्स ओन नीड्स, राइट। कहने का मतलब ये है कि फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट जो कि रजिस्टर्ड प्लेस नहीं है, सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस है, जिसके पास ह्यूमन टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, और वो सर्विसेज देने या लेने के लिए, टू सप्लाई सर्विसेज और टू रिसीव एंड यूज सर्विसेज, दोनों चीज़ों के लिए कैपेबल है, यानी कि एक प्रॉपर ऑफिस है, राइट। चलिए इसकी डेफिनेशन में, इसकी गहराई में और अभी फिलहाल ज़्यादा जाने का मन नहीं है, क्योंकि इतनी ज़रूरत भी नहीं लग रही। अब हम पढ़ेंगे गुड्स के बारे में। ऑब्वियसली हमें गुड्स के बारे में पढ़ना है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद GST, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। सो नाउ विल गो विद द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। बहुत छोटी और कॉम्प्रिहेंसिव सी डेफिनेशन बना दी इन्होंने, छोटी सी डेफिनेशन रखने से उल्टा वो बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें सब कुछ जोड़ लेते हैं फिर ये। सो गुड्स, आपने सबने पहले भी फाउंडेशन स्टेज पर, CPT स्टेज पर गुड्स की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ी होगी, या शायद सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ी होगी। तो ऐसा कुछ अलग से कोई बहुत हाईफाई डेफिनेशन नहीं लाए हैं, सिंपल सी बात है, इट इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है गुड्स, ज्वेलरी हो सकती है, रेडीमेड गारमेंट्स हो सकते हैं, शूज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो सकते हैं, कुछ भी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। कहने का मतलब ये है कि अगर पैसे का लेन देन है तो उस पर कोई GST नहीं लगेगा, सिक्योरिटीज में कोई सेल परचेज हो रही है उस पर कोई GST नहीं लगेगा, क्योंकि उनको गुड्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ गुड्स, इट इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, राइट। बट इट इंक्लूड्स, कुछ चीज़ें इन्होंने फिर भी बोला कि हम इंक्लूड कर सकते हैं, यानी अगर लगाना चाहें तो उस पर ये टैक्स लगा सकते हैं, दैट इज एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास एक्सेट्रा। ये बहुत पुराने ज़माने की डेफिनेशन है, उसको एज इट इज़ ही उठा के इन्होंने इंक्लूड कर लिया। आई थिंक ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास के बारे में फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा समझाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है कि ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स को गुड्स की डेफिनेशन में इसलिए इंक्लूड किया गया कि भाई जब वो क्रॉप बन जाएगी फाइनली, उस वक्त तो वो गुड्स है ही, लेकिन अगर ग्रोइंग स्टेज पे भी आप उसको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो भी दैट मे बी कवर्ड, दैट मे बी सब्जेक्ट टू द GST। वो बात अलग है, फार्मर्स पे तो वैसे ही टैक्स नहीं लगता। तो एज सच देखा जाए तो इसको इंक्लूड करने का कोई बहुत बड़ा लॉजिक अभी फिलहाल डिस्कस करने का मूड नहीं है, ठीक है ना, छोड़ दो इसको। हाँ, एक्शनेबल क्लेम जरूर समझने की चीज़ है इसमें, कि भाई एक्शनेबल क्लेम क्या बोला है। एक्शनेबल क्लेम है रिकवरेबल अमाउंट, आई रिपीट, एक्शनेबल क्लेम, एक्शन लेके आप पैसा क्लेम कर सकते हैं, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। तो उसको भी ये इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम, कुछ मैं आपको एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, लाइक डिविडेंड ऑन शेयर्स। मैं फिलहाल आपको एक्शनेबल क्लेम समझा रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि इन सब चीजों पे GST लग जाएगा। देन FD receipts,
यानी वो चीज़ें हैं जो आपको राइट दे रही हैं, लीगल राइट, कि आप कुछ पैसा, अपना कुछ बेनिफिट दूसरे से रिकवर कर सकते हो. यू हैव एन एक्शनेबल राइट, यू हैव अ राइट टू रिकवर, एंड इफ इट इज़ नॉट बीइंग रिकवर्ड, इट इज़ नॉट रिकवरिंग इन नॉर्मल प्रोसेस, देन यू कैन टेक सम एक्शन, लीगल एक्शन यू कैन टेक, यू हैव अ राइट. सो दैट इज़ योर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम, लाइक डिविडेंड ऑन शेयर, जैसे मैंने कहा, FD रिसीट्स, एरियर्स ऑफ रेंट, कई बार होता किराया नहीं दे रहा, तो लाइक दैट एरियर्स ऑफ रेंट. Insurance claim, etc. Now, I hope कि examples आपके समझ में आए होंगे, लेकिन जो बच्चे गहराई में पढ़ने में बिलीव करते हैं उनके दिमाग में जरूर ये पॉइंट उठ रहा होगा कि सर फिर भी अगर हो सके तो प्लीज़ बताओ कि इसको गुड्स की डिफिनेशन में जो लिया इसकी क्या रेलिवेंस है, कहाँ जाके ये implication हमारे लिए relevant होगी, या GST law के लिए कब कहाँ ये implication relevant होगी. तो उस बारे में मैं ये कमेंट करना चाहता हूँ कि आप इमेजिन कीजिए कि आपको हजारों कंपनियों से डिविडेंड लेने हैं, हजारों कंपनियों से डिविडेंड लेने, इमेजिन करो आपका यही काम है, इतने दुनिया भर के आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं. अब आपने सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, अपने इस राइट को उठा के दूसरी कंपनी को बेच देता हूँ. सपोज मेरी टोटल रिकवरेबल अमाउंट 3 करोड़ है, मैंने दूसरी कंपनी को बोला कि भैया ठीक है मेरे को तुम 2.5 करोड़ दे दो और बाकी का 50 लाख तुम्हारा, आप इसको रिकवर करो. आपने उस अपने राइट को, रिकवरेबल राइट को, उस एक्शनेबल क्लेम को सेल कर दिया. अब ऐसे में गवर्नमेंट बीच में कूद जाएगी पक्का कि भैया 2.5 करोड़ पे GST दे दे. यू आर सेलिंग इट लाइक योर एसेट. राइट को बेचना भी तो अपने आप में पैसा तो ले ही रहे हो ना. इसी तरह से आप दूसरी चीज़ें इमेजिन करके देखो, एरियर्स ऑफ रेंट. इमेजिन करोगे अगर आपके पास सैकड़ों हजारों प्रॉपर्टीज हों, आप हर एक आदमी को, वैसे मैं सोचा ना कि एक आदमी का एक मकान है, उसके एरियर्स ऑफ रेंट है, वो उस अपने बेनिफिट को उठा के किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर दे. इंश्योरेंस क्लेम्स, मान के चलो आपके पूरे इंडिया में डिफरेंट जो है डिफरेंट इंश्योरेंस क्लेम्स आपके ड्यू हैं बहुत ह्यूज स्केल पे, और आपने किसी कंपनी को राइट सेल कर दिया, तो इन दैट सिचुएशन द गवर्नमेंट कैन क्रिएट अ स्पेसिफिक लॉ and can try to tax it under GST, because it's just like something you are selling by way of goods or taking some service or something like that. So what I mean to say ki sometime government isliye bhi ek cheez ko define karke chhod deti hai ki agar koi is tarah ki situation aaye. Ab jaise debtors hai, recovery from debtors is also actionable claim. Jo hame maal क्रेडिट पे बेचते हैं उसका पैसा रिकवर करना है, उसमें तो ये तो बिजनेस है. लोग क्या करते हैं, उधार पे माल बेच देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हजारों लाखों कस्टमर्स को माल बेच दिया, और उसके बाद वो सारा का सारा डेटर बेच देते हैं, इन द सेंस कि वो उसकी रिकवरी का राइट दूसरी किसी कंपनी को देते हैं और खुद अपना पैसा लेके फ्री हो जाते हैं. दूसरी कंपनी को ये फायदा है कि उन्होंने बहुत कम पैसे में वो डेटर्स को खरीद लिया, और बाद में वो अगर पूरे अमाउंट की रिकवरी कर पाएंगे देन डिफरेंस इज योर इज देयर प्योर प्रॉफिट. सो इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस. द गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेसेस जहाँ पे ये रिकवरी वगैरह का काम भी किया जा सकता है. इसलिए इन्होंने इसको डेफिनेशन ऑफ गुड्स में कवर किया, यू आर सेलिंग इट एज वन ऑफ योर राइट, एंड इफ दे विश दे कैन क्रिएट अ लॉ, स्पेसिफिक लॉ, और दे कैन कवर एनी ट्रांजेक्शन एज पर अ जनरल लॉ कि हाँ जी ले आओ इसके ऊपर टैक्स हमको दे दो, राइट. सो आई बिलीव दैट दिस इज द लॉजिक. चलिए जी, ठीक है, ये आपके करीब 18 मिनट की वीडियो हो गई है, तो अब बाकी का फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट करते हैं. थैंक यू.